आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। बलिया में ज्ञान वापी मामले में न्यायालय के फैसले पर बलिया पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करता हूं, न्यायपालिका सभी पक्षों को सुनता है, ऐसे में हम सभी को न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए। माननीय न्यायपालिका का जो भी फैसला है सबको मान्य है और हम सब माननीय न्यायपालिका के सम्मान मदरसा सर्वे जो है वो एक सकारात्मक कदम है ताकि ऐसे मदरसे जहां हमारे अल्पसंख्यक समाज के युवा छात्र पढ़ते हैं उनको बेहतर सुविधा मिले। इस सर्वे के अगर आप बिंदु देखेंगे तो स्पष्ट है कि ये बिंदु पूछा गया है कि उन छात्रों को बेसिक फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, फर्नीचर कैसा है, पेयजल कैसा है। इसके साथ साथ उस सर्वे में कॉलम ये भी है कि कौन सी सरकार की योजना वो मदरसा उस किस योजना का लाभ ले सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं, नया सवेरा है, नई उड़ान है, नई रोशनी है, कौशल विकास की योजनाएं हैं, उसमें ये कॉलम भी है कि कौन सी योजना का लाभ वो मदरसा लेना चाहता है ताकि उस योजना से उस मदरसे को कनेक्ट करके वहाँ के छात्रों को एक बेहतर भविष्य दिया जा सके। अमेठी में वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में न्यायालय के किए गए फैसले को साधु संतों ने खूब सराहा। आपको बता दें, संतों ने न्यायालय के फैसले को सराहा है, वहीं संतों ने कहा कि मठ मंदिरों को तोड़ने वाले लोगों को जवाब मिला है। हम लोगों के मन में जो आस्था थी उसको बड़ी मजबूती मिली है और उस संबंध में न्यायपालिका ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सभी संतों ने कहा कि अत्याचारियों पर सत्य और अहिंसा और हम सब के विश्वास की विजय हुई है। न्यायपालिका का ऐतिहासिक फैसला आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशीकोट से जो आया है उससे सत्य की विजय हुई है, अन्याय समाप्त हुआ है, न्याय को न्याय मिला है, आस्थावान भक्तों को न्याय मिला है, करोड़ों आस्थावान भक्तों के विश्वास को बल मिला है। अत्याचारी, अपराधी, देश का दोहन करने वाले, आक्रमण करने वाले, मठ मंदिरों को तोड़ने वालों को जवाब मिला है। न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। आस्था का जो प्रतीक हम सब लेकर के इतने दिन से दौड़ रहे थे, 500 वर्षों के बाद हम सबको आज वो ऐतिहासिक फैसला सुनने को मिला है जिससे निश्चित रूप से मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, एक आस्था जो हम सबके मन में थी वह और मजबूत हुई है। अयोध्या में अपने दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीते दिनों सदस्यता अभियान कार्यक्रम को में चलाया। ऐसा ही सदस्यता अभियान का कार्यक्रम दक्षिण जोन हैदरगंज के प्रभारी के नेतृत्व में भी गुसाईगंज में आयोजित किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन किया। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम वर्ग के साथ युवा वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए AK पटेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि इस सदस्यता अभियान का कार्यक्रम 9 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतापगढ़ की धरती से जहां हमें पार्टी का पहला विधायक प्रतापगढ़ के जनता ने दिया था, वहां से एक बड़ी रैली करके सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभाओं में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और 1612 जो है हमारे हर विधानसभा में 4 जोन प्रभारी के हिसाब से 1612 जोन प्रभारी पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं और 18 मंडल में 18 मंडल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और 1 करोड़ सदस्य 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बनाने का हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। कानपुर में ज्ञानवापी के विषय पर वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय के संभावित फैसले को देखते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आने पर जाजमऊ थाना के पुलिस फोर्स अलर्ट कर दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इस संबंध में हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। हमने पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, जगह जगह हमने PAC डिप्लॉय की है,
LIU के लोगों को हमने हर सेंसिटिव पॉकेट्स में डिप्लॉय किया है ताकि वहाँ से आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें समय से मिलती रहे। हमने कई जगह पे जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कैमरे लगे हुए हैं और जो ट्रिपल ICC के कैमरे लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक के कैमरे लगे हुए हैं, सब पर हम इंटीग्रेटेड रूप से गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में न केवल पुलिस बल बल्कि हर प्रकार की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए, सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर नज़र रखने के लिए भी हमने टीमें बना रखी हैं। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देंगे कोर्ट से पहले आने के बाद आज से तय हो गया है कि ज्ञानवापी केस सुनवाई के लायक है। वहीं ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष भी जीती हुई है, इसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं इस केस में अगली सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी। सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां सांसद रवि किशन ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क हादसों में कमी लाने में सरकार की मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी रास्ते में मरीजों के एम्बुलेंस का रास्ता बाधित ना करें। तीर्थराज प्रयागराज में 2025 में आयोजित महाकुंभ की तैयारी के संबंध में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मेला प्राधिकरण के RRRC सभागार में अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में अब तक महाकुंभ को लेकर की गई तैयारियों का भी विभागों के अधिकारियों से प्रोजेक्शन लिया। बैठक में मौजूद सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कुंभ के बेहतर आयोजन के लिए सुझाव मांगे गए। बैठक के बाद मीडिया से बात हुई, डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2025 का महाकुंभ 2019 में आयोजित हुए कुंभ से भी अच्छा होगा। 2025 का जो कुंभ मेला है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला वैसे भी है, वह 2019 से भी ज़्यादा अच्छा होगा। स्वच्छता की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों के और कल्पवासियों के सुविधाओं की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, घाटों की दृष्टि से, मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या न रह जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने के लिए पहले से भी काफ़ी कुछ तैयारी की हुई है और कई आज सुझाव महत्वपूर्ण दिए गए हैं। खबर सीतापुर से, जहां विकास खंड परसिंडी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी को प्रशासन ने निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि खंड विकास अधिकारी ने कुछ दिनों पहले स्थलीय निरीक्षण किया था, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने शौचालय में ताला लगा हुआ पाया गया। वहीं विद्यालय की बाउंड्री वाला भी क्षतिग्रस्त मिली थी। साथ ही साथ ग्राम प्रधान में अस्थायी तौर पर आश्रम स्थल के नाम पर हजारों रुपये भी निकल गए। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां ग्राम गड़ी मजरा में युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित युवती की मां ने बताया कि जबरन बहला फुसलाकर मेरी बेटी को ले गया, वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसकी सूचना ग्रामीणों को हुई तो जिसके बाद गांव वालों समेत पीड़ित की मां घटनास्थल पर पहुंची तो वहां युवती बेहोश मिली। इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। किसने बुलाया था? सोनू। हाँ, दुकान खोले तो रहे थे। अच्छा, और क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर ये भैया हमको बाद में जाने तब वहाँ क्या पाछे लग लिए नहीं कहूँ किबुल है वहाँ गए वहाँ ताला खोले किबुल में यहाँ ले गए और फिर जब पाछे सब अडने पहुँच गए तो अपना लोग निकल गया। प्रतापगढ़ के शाहपुर गांव में पीड़ित पर आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पीड़ित का आरोप है कि जमीन पर स्टे लिया जा चुका है। न्यायालय का मामला विचाराधीन है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चौकीदार पद पर होने के कारण पुलिस भी मामले पर ध्यान नहीं दे रही है और इस बात
पर आपत्ति करता है तो उसके साथ ही जमकर मारपीट की गई। इस मामले का संबंधित अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। खेत हमारा दाबंग है, इससे गांव गिरता था, चौकीदार हैं और बहुत 35 से 40 साल हमारा हो गया खेत जोतते, और ये 1.5 लाख के धमकी, 1.5 लाख रुपए बता रहे थे। हमारे पिताजी दिमाग के कमजोर थे, उनके पास दिमाग नहीं था, दिमाग उनका याददाश्त नहीं चलती थी, वो दिमाग के कमजोर थे और उनसे जो है साइन करवा लिए कहीं पे या कैसे कर लिए, वो दिखाने लगे 1.5 लाख का कर्जा का, फिर 8,000 का बयान किए, उसके बाद दीवानी चलने लगी। सर दीवानी है लेकिन वो जोतते हैं और हमको बोलते हैं तुम खेत में आओगे तो 1,000 नेट लगा दूंगा। फिर बाद में गोपाल और सुरेंद्र, अमरनाथ, समरजीत, कल्लू ने हमको धमकी दिया खेत में आओगे तुमको खेत में नहीं रहने देंगे और 1,000 नेट लगवा दूंगा। और यह के एवरा कटरा में SDM लेखपाल व कानून गो के पंचायत भवन पहुंच सूखा पीड़ित किसानों की समस्या सुनी। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें आला अधिकारियों ने किसान की समस्या सुन प्रशासन को पत्र भेज दिया है, साथ ही किसानों की सरकारी ट्यूबवेल से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य ये है कि अभी शासन से दिए गए निर्देशों के क्रम में हम देख रहे हैं कि बारिश कम होने की वजह से फसल पे क्या प्रभाव पड़ा है, कहीं सूखे जैसी स्थिति तो नहीं है। यदि कहीं हमें सूखे जैसी स्थिति दिख रही है तो हम शासन को उसकी रिपोर्ट बना के प्रेषित करें, किसी खेत में कितना नुकसान है, 5%, 10%, 20%। तो हमारे पूरे लेखपाल, हमारी पूरी टीम इस समय फील्ड पे है, हम सभी हर तरीके से सर्वे कर रहे हैं, प्रमुख फसलें देख रहे हैं। इस समय धान का मौसम है, बाजरा का मौसम है, बाजरा क्योंकि असिंचित फसल है इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फसल अच्छे से होगी। धान भी जहाँ जहाँ पे नहरों का स्रोत है वहाँ वहाँ तो हमें कोई क्षति देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि धान जहाँ पर थोड़ा सूखा पड़ रहा है वहाँ पर अगर किसी भी तरीके से क्षति हो रही है तो हम उसे मैंशन करें और शासन को पूरी तरीके से प्रॉपर रिपोर्ट बना। खबर कुशीनगर से, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पूरा कार्यक्रम सपा की महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने सपा पार्टी का दामन थामा। सभी मीटिंग्स की जानकारी मुझे तक नहीं पहुंचाएगी, एक भी मीटिंग्स की जानकारी मुझे तक नहीं पहुंचाएगी। आखिर विजन क्या रहा है ये मुझको नहीं पता है। अब इसमें किसका रोल है किसका रोल नहीं है ये मैं जानता हूँ लेकिन बता नहीं पाऊंगा आपको। मुझे बताऊंगा तो आखिर तक बताना पड़ेगा और आखिर तक बता दूंगा तो हो सके भाजपा वाले लोग मुझको जेल में भेज दें। यही सब रीजन रहा है, जहाँ मान सम्मान नहीं वहाँ अक्षय पांडे नहीं। अच्छे भाई से मैं सीनियर हूँ, अच्छे भाई का जो निर्णय है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज के परिवेश में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो पूंजीवादी का हो गया है। पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो चुका है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सबसे मैं खुशी इस बात का हूँ कि अक्षय पांडे जी एक संघर्षशील नौजवानों के साथ चलने वाले, दुखदारी के साथ चलने वाले, किसानों के साथ चलने वाले और जुबान के पक्के अक्षय पांडे ने अगर जिस चीज को कह दिया उसके साथ वो खड़े रहते। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं नगर पंचायत भारत भारी से प्रत्याशी अली शेख ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्या पर चर्चा किया। साथ ही मीडिया से बात कर उन्होंने कहा कि अगर जनता चुनाव में मेरा साथ देती है तो उसकी हर मांगों को मैं पूरा करूंगा। यहाँ पे जो है कोई भी काम का विकास नहीं है और काफी दिनों से जो है यहाँ लोगों को दिक्कतें ही आराम है। जो गरीब तबके के लोग सताए जाते हैं, कोई चीज का हक का जो है फैसला नहीं हो पाता है, कोई चीज की सुनवाई नहीं होती है। यहाँ रोड का भी दिक्कत है, जो गांव नगर पंचायत अपना है आराम है, नाली का भी दिक्कत है, लोगों को हॉस्पिटल की भी दिक्कत यहाँ पे है, कॉलेज नहीं है यहाँ पे। और लोगों से अपील है कि आराम है कि भारी मतों में इनको जो है विजयी करें, इनकी विजयी में आपकी विजयी है, इनकी जीत में आपकी जीत है और हर काम की इनकी जो है सुनवाई होगी और छोटे बड़े का अच्छे बुरे का फैसला होएगा, देख के ना हक और हक का फैसला होएगा आराम है। नगर पंचायत भाव भारी की समस्याओं को लेकर बैठक की गई थी जिसमें छत के संदार लोग मौजूद थे, ऐसे में समस्या पे चर्चा हुई, लोगों को समस्या से अवगत भी कराया गया।
बैठक में लोगों ने कहा कि मैं आपके साथ में हूँ, आप चुनाव लड़िए, अगर मुझ पर जनता भरोसा जताती है नगर पंचायत भागभारी का विकास करूंगा, तो जनता को समस्या से निजात दिलाऊंगा। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में नहाने गए दोस्त के साथ युवक हिडन नदी में डूब गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर गुमशुदा की तलाश करने में जुट गई है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने हिडन नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं युवकों को ढूंढने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। फरीदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डीसीपी और एसीपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संगम बिहार के रहने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। लूट की वारदात में आरोपियों के ऊपर अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज हैं। मामले की गहनता से जाँच करने तथा आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए पैसे बरामद करने के लिए आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। बाईपास पे यहाँ पे एक व्यापारी है संजय सिंगल नाम का, वो कहीं से अपने पैसे लेके आ रहा था पल्ला एरिया से और अपने घर पे उनको लेके जा रहा था, तो उसके साथ 4 अज्ञात के स्कूटी सवारों ने उसके पहले पीछे से स्कूटी उसकी गाड़ी में टकराई और इस बहाने से उसको रुकवा लिया और उसके बाद उसके मारपीट करके उसके सिर में चोट मार के उससे करीबन 1,90,000 रुपये छीन के फरार हो गए। खबर अमेठी से, जहां बारिश न होने के चलते किसानों ने डीएम व जिले के सीएम से राहत पैकेज की मांग की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को राहत दिलाने के संबंध में सीएम व डीएम को पत्र लिख किसानों की मांगें उठाई हैं। हम लोग इस वर्ष कम बारिश होने की वजह से बहुत मौसम की मार झेल रहे हैं। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई के लिए हमें बिजली नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम किसानों के पास भरण पोषण के लिए बहुत संकट दिख रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से जिले को और पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कराए जाने की मांग, और साथ ही जो इस समय किसानों के ऊपर बिजली बिल का बकाया है या जो कृषि ऋण है उन सबको माफ़ करने की एक याचना लेकर मुख्यमंत्री जी के को भेजने के लिए हम लोग जिला मुख्यालय पर आए हैं। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान की हत्या करने जा रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से असलाह, कारतूस और लूटे गए सोने के आभूषण और नकदी भी बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं 2 बदमाश बाइक सवार भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को पूरी तरह से फेल कर दिया। ये सारे असले इकट्ठे किए और एक तिथि निर्धारित की जहां पे इन प्रधान जी को हत्या कर दी जाए। पुलिस टीम की मुस्तैदी, छानबीन और अलर्टनेस की वजह से ना तो सिर्फ पुराने लूट के घटनाएं अनावरित हुए हैं, उसके साथ साथ ये जो एकदम श्योर शॉट एक मर्डर होने वाला था और जिसके वजह से जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो सकती थी उसको रोक पाया गया, थाम लिया गया। इसी बात पे पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए DIG अयोध्या महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपया इनामी धनराशि के स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने निरीक्षक के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं इनकाउंटर के डर से बदमाशों ने लोनी बॉर्डर पहुंचकर आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि अब कोई भी अपराध नहीं करूंगा। साथ ही पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ जा रहे हो?
थाना टोलिका सिटी क्षेत्र में 9 तारीख को दिन में एक शव बरामद हुआ था यमुना नदी के किनारे। वहाँ पर जब उसकी शव की शिनाख्त की गई तो वो लोनी क्षेत्र का रहने वाला था। फिर इसमें लगातार टीमें गठन करके उसमें काम किया तो वो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। तो जो उसमें काम किया गया तो उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी ऑलरेडी उसमें हुई है और उनको थाना लोनी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और टोनिका सिटी में इसका अभियोग पंजीकृत है। इसमें तीसरा अभियुक्त और था जिसके पीछे लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। उसने आज पुलिस के भय से थाना लोनी बॉर्डर में आत्मसमर्पण किया है। अब उससे आगे इसमें पूछताछ की जा रही है और इसमें वैधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। खबर देवरिया से, जहां येठी गांव में रहने वाले युवक ने जेईई में 523 रैंक पाकर जिले का नाम रोशन किया है। युवक ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों, मामा व शिक्षक को बताया। वहीं जेईई में मिली सफलता से गांव में जश्न का माहौल है। साथ ही ग्रामीणों ने टापर को फूल माला पहनाकर अपनी खुशी जाहिर करी। मैंने अपनी तैयारी रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा से करी है और बस। कितना रैंक का आए हैं आपने? सीआरएल रैंक जो है वो 3022 है और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में मेरा रैंक 523 है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे हेल्प करी पूरी तैयारी में। कौन से विषय लिए थे आप 12th में? मैथ से करी थी तैयारी। मैथ, तो क्या टीचर आपके कैसे रहे, किस तरह का आपका शिक्षा का ये चला दौर चला? टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव थे। कोटा में तो ऐसा माहौल ही है, मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा तो बहुत अच्छा कर जाएगा, क्योंकि कोटा के सारे टीचर्स ही अच्छे हैं। मैनपुरी में आगामी त्यौहार को लेकर पुलिस अधीक्षक ने एलआईयू में सुप्रांत लोगों से वार्ता की। उन्होंने लोगों से कहा कि आगामी त्यौहार में प्रेम सौहार्द के साथ त्यौहारों को एक साथ मिलकर मनाने की अपील की और साथ ही कहा कि ये हमारे देश की खूबसूरती है, कई परंपरा होते हुए भी हम सब एक साथ हैं। इस अवसर पर SDM और CO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एलआईयू थाने में आज क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ एक गोष्ठी की गई। मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे आगामी जो त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न हो, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार हम अपने संपादित करें। साथ ही लोगों से यह भी अपील किया गया कि यातायात के नियमों का पालन करें जिससे कि दुर्घटनाओं से लोग बच सकें। खबर अयोध्या से, जहां रोनाही थाना क्षेत्र में स्थित बैदरापुर में गौवंश की हड्डी व चमड़े का कारोबार धड़ल्ले से फैल रहा है, वहीं सारा कारोबार ग्राम प्रधान की जानकारी में किया जा रहा है। बता दें इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसके संज्ञान लेते हुए उप प्रमुख पशु चिकित्सा अधिकारी ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी जारी किए हैं। प्रधान से कहने से हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, कितना पैसा देते हैं? ऐसा तो 4000 मिलता है। बिजनेस होता है यहाँ, बिकता है या नहीं बिकता है? ये हाँ ही बिकता है। बिकता है ना? कौन करा रहा है ये सब? भैया कितना दिन ले सब करा प्रधान ने? जैसे SDM साहब महोदय ने जो है कहा है कि गौशाला में कल ऐसा ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके जांच निरीक्षण आख्या जो है मैं उपलब्ध करवाइए। तो मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे जाँच कर रहा हूँ उसके बारे में। उसके बाद हमें निरीक्षण आख्या यहाँ की रिपोर्ट देखेंगे क्या है, उसके बारे में साहब को मैं उपलब्ध करवाऊँगा। इसमें अभी तो मैं नया आया हूँ, अभी मुश्किल से मुझे 1 महीना हुआ है, उसके बाद में पहला ये मौका है। और उसके बाद में जो यहाँ से निरीक्षण रखा जाएगी वो SDM साहब ही इस पर निर्णय लेंगे कि क्या वो कार्रवाई करेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां शराबियों ने रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि रेस्टोरेंट संचालक ने शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने उसके साथ गाली गलौच और मारपीट की। वहीं सारी घटना CCTV में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। मारपीट हुई थी, एक वजह थी वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, सर ने ड्रिंक करने से मना किया, वो नहीं माने उधर में साइड में, तो गाली गलौज कर रहे थे आप सही में वो लोग, ठीक है। तो गाली गलौज करते हुए वो रेस्टोरेंट के सामने आ गए,
जब रेस्टोरेंट के सामने आए तो सर ने बोला सर यहाँ से चले जाइए, यहाँ गाली मत दीजिए, या तो नीचे की साइड में दे लो जाके या उधर ही चले जाओ गाली देने के लिए। वो नहीं माने। ये तो सर यहाँ दारू पी रहे थे, यहाँ पे आप उगर रहे थे, उसके बाद इधर आए, इधर आने के बाद यहाँ पे उगर रहे थे, उसके बाद सर को हाथ पाथ करा। और रेस्टोरेंट में फैमिली टेबल बैठी हुई थी, कुछ सर अभी यहाँ पे शोरगुल कर रहे थे, गाली मत बहुत ज़्यादा दे रहे थे, तो हमारी फैमिली निकल के आई लेडीज कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे इनको। तो मैंने उनको जाके बोला कि भाई यहाँ पे फैमिली बैठी हुई है, लेडीज बैठी हुई हैं, आप यहाँ पे गाली गलौज मत करो। तो वो लोग एकदम थोड़ी देर बाद ही वो अग्रेसिव हो गए कि आप हमारे को इस तरह से यहाँ क्यों बोल रहे हो, हम तो कौन होता है कौन रोकेगा हमारे को, हम तो यहीं पिएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। तो पुलिस का जैसे ही हमने नाम लिया ऐसे वो एकदम अग्रेसिव हुए और एकदम हमारे पर अटैक कर दिया। हरदोई के बिलग्राम में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मल्लावा ब्लॉक के ग्राम सभा बांसा में उद्घाटन प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने करने आए थे, जिसके कुछ ही घंटे पहले एक ग्रामीण के साथ दो व्यक्तियों ने अभद्रता की, जिसके बाद ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां दबंगों ने एक युवक से जमकर मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं दबंगों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही घटना की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर हरदोई से, जहां शाहजहांपुर हाईवे पर दो ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस घटना से ड्राइवर व सहायक की मौके पर ही दम तोड़कर मौत हो गई। साथ ही ग्रामीणों को सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।